एसकेपी 7 न्यूज शेखपुरा। आज सोमवार को शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र 169 में निवर्तमान जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी ने नामांकन का पर्चा दायर किया। यह नामांकन का पहला पर्चा था। नामांकन के दौरान निर्धारित समय 3 बजे अपराह से 10 मिनट पहले दौड़कर वे नामांकन कार्यालय में पहुंचे। करीब 1 घंटे से ऊपर निर्वाची पदाधिकारी के चैम्बर में डटे रहे। इसके साथ ही समर्थकों के हुजूम ब्रिकेटिंग के बाहर समाहरणालय परिसर के अंदर मौजूद रही। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। वहीं शेखपुरा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मीडिया से जदयू की टिकट के नाम की घोषणा नहीं किए जाने पर रणधीर कुमार सोनी के नामांकन को लेकर लोग तरह तरह के कयास भी लगाते रहे। खास बात तो यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के समर्थक नजर आए। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन रही, लेकिन हुजूम को तितर बितर करने का जहमत नहीं उठाए। मौके पर पहुंच अपर SDM राजीव कुमार समर्थकों की भीड़ को देख लोगों से मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का अनुरोध करते दिखे। रणधीर कुमार सोनी के समर्थकों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए माला पहनाकर नारे भी बैरिकेडिंग के अंदर लगाए। इधर निर्वाचन पदाधिकारी निशांत कुमार ने रणधीर कुमार सोनी द्वारा सोमवार को नामांकन किए जाने की पुष्टि की। शेरपुरा से ललन कुमार की रिपोर्ट। का 5वां दिन है, कोई नॉमिनेशन हुआ क्या विधानसभा चुनाव? आज नॉमिनेशन हुआ जी, और नॉमिनेशन करने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने नॉमिनेशन सपोर्ट किया, उनका नाम था रणधीर कुमार सोनी जी। और कितने नामांकन हुए? एक ही नामांकन हुआ शेखपुरा विधानसभा से। शेखपुरा जी, नाम बताया गया सर? रणधीर कुमार सोनी। अपना नाम बताया गया सर? मैं SDO शेखपुरा और RO 169 शेखपुरा। ठीक सर।